चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सब भी इन्फॉर्मेशन हमें इस बार कंपैरेटिवली फाइनेंशियल पोजीशन में क्या कौन सा करना है, बैलेंस शीट को कंपैरेटिवली बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले बच्चा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या दे के रखी हुई है, तो आप देखोगे तो पूरा स्टेटमेंट हमें बना के दिया हुआ है, इसमें हमें कुछ करना नहीं है। देखते हैं पहले बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड एज ऑन 31/3/2016 and 2017 आर एज फॉलो, प्रिपेयर कंपेरेटिवली बैलेंस शीट। तो बोला गया है कि सर आपको बैलेंस शीट बनानी है, क्लियर। तो ये कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनानी है, तो आप बोलोगे सर देखो इक्विटी शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर रिजर्व सरप्लस जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस नॉन करंट लायबिलिटी में डिबेंचर शॉर्ट टर्म बोरोइंग ट्रेड पेबल अदर करंट लायबिलिटी करके टोटल भी करके दिया हुआ है। हमें सिर्फ ये वैल्यू को कंपेयर करना है और उसके बाद कैलकुलेशन करनी है। सेम वे बच्चा असेट में भी नॉन करंट असेट करंट असेट का डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें टोटल प्रॉपर करके रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम इनको प्रॉपर जो डेटा है इसका यूज़ करेंगे। एज यूजुअल हम करते पहले पर्टिकुलर में जो होता है वो डेटा, उसके बाद 16-17 तो हमने थोड़ा आगे पीछे सेट किया हुआ है, तो वो इसका यूज़ करके बच्चा हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे समझो हमें इन्फॉर्मेशन क्या है, तो हर बार की तरह चलो बच्चा हमारा ये स्टेप आ गया। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने थोड़ा अरेंज कर दिया है, हर बार की तरह पर्टिकुलर को आप बोलते हो वन, दूसरा है नोट नंबर जिसको आप बोलते हैं टू, इसके बाद होगा यहाँ पे थ्री जो हमारा 2016 है। आप बोलोगे सर हमारा प्रीवियस ईयर है बेस ईयर है, या आप बोलोगे तो वो छोटा ईयर है वो उसको हम बोलेंगे सिंपल वो सीक्वेंस में जो छोटा ईयर है वो थ्री। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर जो हमारा करंट ईयर चल रहा है वो उसको 2017 या बड़ा ईयर जो दिया हुआ है उसको हम बोल देंगे यहाँ पे फोर। फाइव में इंक्रीज डिक्रीज दिया है, इंक्रीज डिक्रीज इन परसेंटेज। तो देखो बच्चा हम कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले बच्चा यहाँ फाइव नंबर जो दिया हुआ है उसमें आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पे बोलोगे 4-3 4-3 मतलब आप यहाँ पे जो भी अमाउंट है उसके हिसाब से आप लिखते जाओगे। और इसके बाद यहाँ लास्ट में जो दिया हुआ है जिसमें आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे इंक्रीज डिक्रीज इन परसेंटेज, तो ये पहले नंबर है 6 इज इक्वल टू जहाँ पे आप बोलोगे सर 5 जो इंक्रीज डिक्रीज ढूंढा है वो अपॉन आप बोलोगे सर ये 2016 जो हमारा नंबर है 3 × 100 करोगे तो हमारा काम हो जाएगा, क्लियर है। चलो बच्चा तो अब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मुझे ये कॉलम की ज़रूरत है तो हमने ये प्रॉपर पहले कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो तो हमारी ये आपको शेयर होल्डर फंड और ये सब कुछ दिख रहा है, तो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करना शुरू करते हैं। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इक्विटी शेयर को, तो इक्विटी शेयर में 2016 में 17 लाख था जो हो गया कितना 22 लाख। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 3 और 2 तो 5 लाख का इंक्रीज़ हुआ। अब 5 लाख का इंक्रीज़ हुआ है, प्लस की साइन नहीं लिखेंगे नॉर्मल रखेंगे, डिक्रीज़ होता है तो ब्रैकेट लगाएंगे, क्लियर है पॉइंट। प्रेफरेंस शेयर जो 12 लाख से आप बोलोगे सर 10 लाख हो गया, तो आप बोलोगे सर ये डिक्रीज़ हुआ, तो आप देखोगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रैकेट में 2 लाख, ये हमने लिखा 5 लाख। सेम वे बच्चा ये एरो आपके समझाने के लिए करवा रहा हूँ, आपको तो नोटबुक में प्रॉपर सिस्टमेटिक दिखेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे चलते हैं बच्चा, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 2 लाख से आपका 240 हो गया, इंक्रीज़ हुआ कितना 40,000 का, तो हमने प्लस 40,000 लिख दिया। सेम वे बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे भी इंक्रीज़ हो रहा है 180 से 2 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है 1,80,000 से 2,10,000, तो आप बोलोगे 30,000 इंक्रीज़ हुआ, तो यहाँ पे हमने लिखा। सेम वे डिबेंचर आप बोलोगे सर 8 लाख से हो गया 6 लाख, 8 लाख से हो गया 6 लाख, 2 लाख डिक्रीज़ हुआ, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे हमने 2 लाख लिया और ब्रैकेट लिखा। सेम वे बच्चा आप बोलोगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो 45 से 90 हो गया, तो आप बोलोगे सर ये डिक्रीज़ हुआ कि इंक्रीज़, तो बच्चा बोलेगा सर ये हो गया इंक्रीज़। सेम वे 1,35,000 से 90,000, तो आप बोलोगे सर इसमें डिक्रीज़ हो रहा है कितना, तो 10 और बाद में आप बोलोगे 35, तो 45 का डिक्रीज़ है, तो हमने यहाँ 45 लिखा और ब्रैकेट लिख दिया। 70 से 70 कोई इंक्रीज डिक्रीज़ नहीं, और लास्ट में हमें टोटल बोला हुआ है जो आप बोलोगे सर ये हो गया 43,000 - 45 लाख, तो हो गया 1,70,000, ये इंक्रीज़ हो रहा है। इसके साथ मेरा ये
बोल सकते हो कि लायबिलिटी और इक्विटी लायबिलिटी सेक्शन ख़त्म, अब असेट वाला सेक्शन हम शुरू करेंगे। पहले प्रॉपर ये क्लियर कर लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो बच्चे आप देखो असेट को आगे बढ़ाते हैं, तो असेट के यहाँ पे इंफॉर्मेशन में सेम वे आपको बोलना है कि यहाँ पे मशीनरी जो थी वो 15 लाख से 16 लाख हो रहा है, तो आप बोलोगे सर ये इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे हमने लिखा 1 लाख। सेम वे 5 लाख से 6 लाख हुआ, जो हमारा फर्नीचर है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है 1 लाख से, तो वो हमने लिखा। आप बोलोगे सर गुडविल 1 लाख से 80,000 हुआ, 1 लाख से 80,000 हुआ, तो आप बोलोगे सर इनडायरेक्टली 20,000 का ये डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे हमने माइनस की साइन। तो बच्चा यहाँ पे 7,30,000 से 7,50,000, तो 20,000 का इंक्रीज हुआ। सेम वे बच्चा यहाँ पे 1 लाख का इंक्रीज हुआ, 8 लाख से 9 लाख जो हमारा था, आप बोलोगे सर ये हमारा पैटर्न था उसमें इंक्रीज हुआ है। सेम वे बच्चा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो मैं कुछ है ही नहीं, स्टॉक की बात करें तो स्टॉक 1,80,000 से आप बोलोगे सर यहाँ, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि ये मशीनरी है, ये फर्नीचर है, ये गुडविल है, ये पैटर्न है, और जो हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख से इंक्रीज़ होगा, ऐसा बोला जाएगा। सेम वे बच्चा आप बोलोगे सर स्टॉक देखो 160 से इंक्रीज़ हुआ 180, तो आप बोलोगे 20,000 का सर इंक्रीज़ हुआ है, तो ये भी लिख दिया। उसके बाद बच्चा बोलेगा सर 2 लाख ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख से 180 हो गया, तो 20,000 का डिक्रीज़ हो गया, तो वो भी हम लिख देंगे। सेम वे करंट इन्वेस्टमेंट जो 2,70,000 से 140 हो गया, 2,70,000 से 140 हो गया, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये कितना हुआ, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 2,70,000 माइनस 140, तो यहाँ पे 130 आप बोलोगे सर ये डिक्रीज़ हो जाएगा, तो वो भी लिख दिया। सेम वे बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे जो ध्यान में रखना है 70 से 70 जो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है उसमें कोई इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं आया, और बाद में आप बोलोगे सर यहाँ तो हमें पता है 1,70,000। तो ये बच्चा हमारा हो गया असेट साइड का सेक्शन ख़त्म। अब हम आगे जाएंगे किस में, तो अब टोटल कॉलम वाले में करें, पहले देख लो ये क्लियर है, तो आगे तो जैसे बच्चा ये ख़त्म होता है, अब आप बोलोगे सर अब हमारे कॉलम में आ रहा है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में ध्यान क्या रखना है बच्चा, तो यहाँ पे अब सिंपल चीज़ आपको करते जाना है, यहाँ पे दो चीज़ पे फोकस करना है, एक है 2016 मतलब आप बोलोगे कॉलम नंबर 3, और दूसरा है ये इंक्रीज डिक्रीज वाला कॉलम। समझ में आ रहा है, चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बोलना है, देखो यहाँ पे कितना था, 5 लाख था, 5 लाख से इंक्रीज आप बोलोगे सर 5 लाख डिवाइड बाय 17 लाख, 5 लाख डिवाइड बाय 17 लाख, और जो हमारा आंसर आएगा वो हमें करना है इनटू परसेंटेज करना है, तो पहले मैं लिखता हूँ चलो तो आपको क्लियर भी हो जाए, ये लिखोगे नहीं तो चलेगा लेकिन समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 5 लाख डिवाइड बाय आप बोलोगे सर 17 लाख इनटू 100, तो आप बोलोगे सर करते हैं 5 डिवाइड बाय 17 इनटू 100, तो हो जाएगा 29.41। तो ये एक पॉइंट ख़त्म। उसके बाद आप बच्चा बोलोगे सर अब करते हैं 2 लाख डिवाइड बाय 12 लाख, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 2 लाख डिवाइड बाय 12 लाख इनटू 100 करोगे तो 16.67 परसेंटेज में लिख नहीं रहा बच्चा, ऊपर लिख दिया है कॉमन तो चलेगा। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये ध्यान में रखना ये माइनस था तो हम माइनस लिख देंगे। सेम वे आगे चलते हैं 40,000, तो यहाँ पे हमने लिखा 40,000 डिवाइड बाय 2 लाख इनटू 100 तो 20% आएगा, तो वो हमने लिख दिया। सेम वे बच्चा आप बोलोगे सर ये 30,000 डिवाइड बाय 180 इनटू 100 तो 16.67। सेम वे 2 लाख दिया हुआ है, 2 लाख डिवाइड बाय 8 लाख इनटू 100 करोगे तो 25% आ जाएंगे। सेम वे आप बोलोगे सर यहाँ ध्यान रखना 45 ये 2 लाख माइनस में तो यहाँ ब्रैकेट में भी आना चाहिए, क्लियर। सेम वे बच्चा आप बोलोगे 45 डिवाइड बाय 45 तो ये 100% से इंक्रीज़ हो रहा है, देखो यहाँ पे कितना है, तो आप बोलोगे सर देखो ये 45 और ये 45 तो ये कितना हो जाएगा 100% आप करोगे तब आ जाएगा। सेम वे बच्चा यहाँ पे आप बोलोगे सर ध्यान रखना है क्या, तो यहाँ पे 45 है लेकिन यहाँ पे 1,35,000 है, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 45,000 डिवाइड बाय 1,35,000 इनटू 100 करोगे तो यहाँ पे आप बोलोगे 33.33% और बच्चा बोलेगा ब्रैकेट, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ तो एज इट इज़ लिखेंगे
टोटल की बात करें तो 170 से कितना हो गया 43 लाख, मतलब 170 जो है इंक्रीज, और हमारा 2016 कितना है 43 लाख 30,000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 170 डिवाइड बाय 43 लाख 30,000 इनटू 100 करोगे तो आप बोलोगे सर 3.926 है, तो आप 2 की जगह 6 लिख 92 है तो 3 लिख सकते हो कि 92 है और बाद में 6 है तो हम राउंड ऑफ करके 3 लिख। तो बच्चा इसके साथ हमारी लायबिलिटी साइड तो ख़त्म हो गई, अब आई बात हमारी कौन सी, तो आप बोलोगे सर असेट की, तो 1 लाख था, 1 लाख डिवाइड बाय 15 लाख, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो ध्यान में रखना है वो सिंपल मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो 6.67। सेम वे 1 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, तो यहाँ पे ऐसे आएगा तो 20%, लेकिन करते हैं सर, चलो तो 20%। सेम वे बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे अब ध्यान क्या रखना है, अब थर्ड जो है यहाँ पे हम लिखते हैं, मेरे में ये एरो की ज़रूरत है, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो ध्यान में रखना है। 20 डिवाइड बाय 1 लाख, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 20 और ब्रैकेट में परसेंटेज है तो 20 माइनस हो जाएगा, परसेंटेज तो है ही लेकिन माइनस में, इसलिए ब्रैकेट में लिखा। आप बोलोगे सर 20 डिवाइड बाय 20,000 डिवाइड बाय 7,30,000, कितना बच्चा 7,30,000, तो यहाँ पे हमने लिखा 20,000 डिवाइड बाय 7,30,000 इनटू 100, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2.74। इसके बाद ये 1 लाख है और ये 8 लाख है, तो आप बोलोगे सर 1 लाख डिवाइड बाय 8 इनटू 100 तो 12.5, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 12.5, तो ये काम भी ख़त्म। इसके बाद 20 डिवाइड बाय 160, तो 20,000 डिवाइड बाय 1,60,000 इनटू करोगे तो हो जाएगा कितना 12.5, तो ये भी हमारा हो गया। अब माइनस में करते तो ये 2 लाख है और ये 2 लाख, ये 20,000 और ये 2 लाख, तो यहाँ पे हो जाएगा 10% और माइनस में, तो ये पॉइंट क्लियर करना है। उसके बाद आप बोलोगे 130 है डिवाइड बाय, आप बोलो सर कितने से करना है 270, तो यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 48.14, मतलब राउंड फिगर ऐसे पॉइंट के बाद ऐसी फिगर दी हुई है 48.148, तो हमने राउंड ऑफ करके 5 लिख दिया। सेम वे लास्ट में कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है तो वो लिख दिया, और लास्ट में आपको यहाँ लिखोगे तो 3.93। तो ये इसके साथ हम बोल सकते हैं ये सम ख़त्म। इसमें कुछ ज़्यादा ऐसे कैलकुलेशन टफ नहीं है, बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जितना आप ध्यान रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट ख़त्म। ध्यान में रखना है यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट लगा दिया, देख लेना है माइनस जो है वहाँ पे ब्रैकेट लगाया हुआ है, 3 जगह माइनस है, 3 जगह ब्रैकेट होने चाहिए। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट ख़त्म, प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ, और प्रॉपर प्रेजेंटेशन करना बच्चा, मेरे में तो थोड़ा आगे पीछे चलेगा लेकिन आप में नहीं चलेगा, तो वो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि थोड़ा सिस्टमेटिक लिखो तो आपके लिए अच्छा है, तो रिफ़र करते वक्त आपको ईजी रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए।